हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करते जब ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, आप जो है सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, तो आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ब्राउज़र को ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है रूफ़ुस। फिर आप यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है रूफ़ुस के लेटेस्ट वर्जन को आपको डाउनलोड कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर रूफ़ुस 3.2, तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। तो अभी मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया हूँ, तो अभी डाउनलोड नहीं करने वाला। क्रोम को जो है क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर सैंडिक्स का पेन ड्राइव है। आप जो भी पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना चाहते हैं तो आप पहले उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कीजिए। सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर फाइल सिस्टम में आपको NTFS रखना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको जो है यहां पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। फिर दोस्तों, आप इस विंडो को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप रूफ़ुस ऐप को ओपन कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको डबल क्लिक कर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास पेन ड्राइव ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको ISO फाइल को सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, ये ISO फाइल है विंडोज़ 11 की, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी पार्टीशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर MBR है या फिर GPT है, तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड लैपटॉप है तो आप MBR सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास लेटेस्ट लैपटॉप है तो आप इसको GPT सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको GPT ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी फाइल सिस्टम जो है NTFS है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली ये एरर रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ PC में से। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।